नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने जीवन में मस्त रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से दीपावली को एक स्पेशल तरीके से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको एक गिफ्ट देने वाले हैं, और इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि आखिर में ये गिफ्ट है क्या। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर में दीपावली क्या है और दीपावली कब से स्टार्ट हुआ है। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में, साथ ही साथ आप सभी लोगों को एक गिफ्ट मिलने वाले हैं जो दीपावली के लिए स्पेशल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में दीपावली क्यों मनाया जाता है। दीपावली अंधेरे पे उजाले की जीत का प्रतीक है और प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, जो दीपावली स्टार्ट हुआ है, रामचंद्र भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला था, और रामचंद्र और उसके भाई लक्ष्मण और उसकी पत्नी सीता के साथ वो 14 वर्ष वनवास के लिए जाते हैं, और 14 वर्ष पूरा जब हो जाता है तो रामचंद्र 14 वर्ष वनवास काटने के बाद जब वापस घर लौटते हैं तो उसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने सभी लोग मिल करके पूरे धूमधाम से दीपावली मनाया था। चारों ओर दीप जला करके खुशियां मनाया गया था, सभी लोगों को मिठाई खिलाया गया था, और उसी दिन से ये दीपावली मनाया जा रहा है, और दीपावली उसी दिन से अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हिंदू धर्म में दीपावली का बहुत सारा महत्व है, और दीपावली में हम लोग माता लक्ष्मी और गणेश का पूजा करते हैं, साथ ही साथ हमें कुबेर महाराज का भी पूजा करते हैं। हम लोग कुबेर महाराज का भी पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, और जो भी हमारा धन इनकम आ सके हमारे घर में, माता रानी माता लक्ष्मी हमारे घर प्रवेश कर सके। तो कुछ इस तरह से हम लोग दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आजकल के समय में ये समय जिस तरह से बदलता जा रहा है, हम सभी लोग अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, और अपनी इतनी तेज गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जो भी हमारी सभ्यता है बिल्कुल वो ख़त्म होता जा रहा है। जैसे कि आजकल के समय में आप सभी लोग देखते होंगे कि दीप जलाने की जगह पे आर्टिफिशियल दीप जला रहे हैं, यानी कि जो बिजली से चलने वाले होते हैं वो दीप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोलते जा रहे हैं, ये हमारा संस्कृति नहीं है कि हम लोग आर्टिफिशियल दीप जलाएं, हम लोग ओरिजिनल दीप जलाएंगे इस दीपावली में। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस वर्ष जो दीपावली आप मनाएंगे वो सिर्फ स्वदेशी चीज़ों को खरीद करके ही दीपावली मनाएंगे, और विदेशी चीज़ों को आप ना करेंगे, नहीं खरीदेंगे, और स्वदेशी चीज़ से खरीद करके आप दीपावली मनाएंगे। जैसे कि हम लोग अपने घर में दीपावली यानी दीप जलाने का त्यौहार है, अंधेरे को जीतना है, उजाले की ओर जाना है। तो उजाला होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आर्टिफिशियल दीप की ओर जाएं। हम लोग जो भी हमारी सभ्यता है, जो मिट्टी के दिए होते हैं, उस दीप का इस्तेमाल करना है। और इस वर्ष आप सभी लोग घर में कम से कम 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 500, आपके जितने भी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार से आप जितने दीप जला सकते हैं अपने घर में, उतना ही बेहतर होगा। आप सभी लोग को बताने वाले हैं, अगर आप आर्टिफिशियल दीप लाते हैं मार्केट से खरीद के, तो आपके घर में जो लाइन के अच्छे से कनेक्टिविटी करने के लिए जानते हैं, यानी अच्छे से कनेक्शन करने के लिए जानते हैं, वही लड़के आपके घर में आर्टिफिशियल दीप या लाइट जला सकते हैं, और बाकी लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप दीप को खरीद करके लाते हैं तो घर में एक दीपावली का माहौल बन जाता है। और मान लीजिए कि आप 100 दीप लेकर के आते हैं और आपके घर में 5 जन हैं, यानी 5 लोग हैं आपके घर में, तो एक के पीछे आपको 20 दीप मिल जाते हैं। और 20 दीप जला करके आप घर में जब सजावट करते हैं ना, तो जो अंदर से एक फील आता है वो दीपावली रियल दीपावली है। वो हमारे परिवार में मिलजुल करके हम लोग दीप जलाते हैं, वो दिल को हमें छूता है। ये नहीं कि आर्टिफिशियल दीप हम लोग जला दिए और रात भर जलता रहेगा, वो नहीं। जैसे ही दीप में थोड़ा सा तेल कम हुआ, वो तेल हम ला करके उसमें डालते हैं, वही हमारा रियल दीपावली है, और वही हमारे दिल को छूता है, और वही चीज़ हम लोगों को करना चाहिए जो कि हम लोग आजकल भूलते जा रहे हैं। आप सभी लोग दीप जलाइए, और दीप के जगह पे मोमबत्ती लोग भी जलाते हैं, तो आप मोमबत्ती भी नहीं जलाइए, मोमबत्ती के जगह पे आप दीप जलाइए। आपके अंदर में जो खुशियाँ मिलेगी ना, वो बहुत ही अच्छा खुशी लगता है। आप देखिए एक बार दीप जला करके अपने घर में लाइए दीप, और सभी लोग मिल करके दीप जलाइए।
और जैसे ही थोड़ा थोड़ा तेल कम होता है उसमें एक दो बार और डाल करके देखिए, आपके अंदर इतनी खुशियाँ मिलेगी, इतनी खुशियाँ मिलेगी, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनेंगे। और साथ ही साथ ये साइंस के द्वारा ये प्रूफ किया गया है कि दीपावली में जो दीप जलाए जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो लोगों के लिए हानिकारक होते हैं, यानी जो वायरस होते हैं, विषाणु कीटाणु होते हैं, वो कीटाणु भी मर जाते हैं दीपावली के दिन। और जो भी दीप जलाते हैं उसकी रोशनी से वो बच नहीं पाते हैं और वहीं से ख़त्म हो जाते हैं। और दीपावली के बाद आप देखिएगा बहुत ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो आपको नज़र ज़्यादा नहीं आएंगे। और दीपावली में जो होते हैं ना बहुत ऐसे मच्छर होते हैं जो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, दीपावली के दिन ही ढेर हो जाते हैं। और बाकी जो कुछ बचे हुए होते हैं वो छठ पूजा आते आते जो छठ पूजा में धमाके होते हैं उससे भी निपट जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। आप सभी लोग इस दीपावली में दीप लाइए और दीप जलाइए और स्वदेशी चीज़ को खरीदिए। जो भी चीज़ खरीदना है दीपावली के शुभ अवसर पे, आप स्वदेशी खरीदिए, अपना देश के खरीदिए, न कि विदेश की चीज़ों को खरीद करके आप घर लाइए। आप विदेशी चीज़ों को नकारिए, नहीं खरीदना है, आप स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए। और साथ ही साथ जो गिफ्ट का बात की हमने किया था कि जो भी आप दीप खरीदेंगे ना तो उसके साथ दो लोगों की खुशियाँ मिलेगी, एक तो आपका खुशी हो गया जो आप सभी लोग को हमने बताया, और जिसके यहाँ पे आप दीप खरीदेंगे ना वो भी एक गरीब परिवार का ही है, उसके यहाँ अगर आप दीप खरीदते हैं तो उसका घर में भी दीपावली मनेगा और अच्छे तरह से दीपावली वो भी मना पाएंगे। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि जो भी दीप जहाँ पे खरीदेंगे आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक छोटा परिवार से होता है और वो दीप बेच करके अपना गुजारा करते हैं। अगर वहाँ से आप दीप लेते हैं उसे 100 रुपया 50 रुपया आता है तो अपने घर में वो तेल लेकर के जाते हैं, अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर के जाते हैं और उसी से वो दीपावली मनाते हैं। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस दीपावली आप सभी लोग दीप खरीदें और साथ ही साथ दीप जलाएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बाय।